नमस्कार, प्राइम न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। खबर राजस्थान के डूंगरपुर से है, जहां नाबार्ड के डीडीएम सुभाष जी एन एवं एफपीओ मिश्रा जी द्वारा बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर ज़िले के उत्पादक के एफपीओ निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने किसानों की उन्नत खेती के लिए कार्यशाला आयोजित की। कार्यशाला में नाबार्ड के ज़िला विकास प्रबंधक श्री सुभाष जैन ने बताया कि 2 से 3 साल पुरानी इस किसान कंपनियों के वित्त पोषण के लिए बैंकों को आगे आना चाहिए, ताकि किसान से जुड़े हुए हजारों लघु उद्योग और सीमांत किसानों को समय पर कृषि आदान और अन्य सुविधाएं उपलब्ध हो सकें। उन्होंने सभी डायरेक्टरों को एफपीओ की अवधारणा को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि असंगठित क्षेत्र होने के कारण इन किसानों को अपने उत्पादन की अच्छी कीमत नहीं मिल पाती है और फसल उत्पादन में सभी स्तर पर इनका शोषण होता रहता है, और यहीं से उत्पादन संगठनों की भूमिका शुरू होती है, जो कृषि के क्षेत्र के लिए संजीवनी देने का काम करेंगे। कार्यशाला को संबोधित करते हुए डॉक्टर पी के रोकड़िया ने कहा कि छोटे किसानों को आगे बढ़ाने के लिए एफपीओ ही सबसे अच्छा माध्यम है। किसानों को उनके कृषि उत्पादकों के सही भाव मिलता है। किसान संगठित हो काम करे तो अधिक मुनाफा होगा। फाइनेंशियल इंक्लूजन की बातें होती, वो उससे होगा। अभी मैं नाबार्ड की मीटिंग में गया था, तो वहां देख के मैं तो शॉक हो गया कि इतना परसेंटेज कम था कि लोगों के खाते नहीं ऐसे थे कि आप कर क्या रहे हैं। भाई आप एक प्रश्न चिन्ह अपने सभी एनजीओ के प्रति, क्यों अपडेट ही नहीं है, क्यों नहीं? जब ऐसे भी ग्रुप यहाँ पे है अपने डिस्ट्रिक्ट में, बांसवाड़ा डूंगरपुर दोनों डिस्ट्रिक्ट है और ये सबसे रिमोट एरिया है अपने राजस्थान का, यहाँ सबसे ज्यादा विसंगीता पाई जाती है। क्यों इस अवसर पर मनु सेवा संस्थान डूंगरपुर के कार्य प्रभारी महेंद्र सिंह पवार एवं तेज सिंह राठौर एवं बाल विकास कल्याण डूंगरपुर, पीडीओ माड़ा डूंगरपुर बांसवाड़ा की संस्थाएं भी मौजूद रही और अपने अपने विचार व्यक्त किए व उन्नत खेती करने की अच्छी तकनीक के विषय में बताया। प्राइम न्यूज़ 24 के लिए स्टेट ब्यूरो विपिन जोशी की खास रिपोर्ट।